हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेंसिक सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे खुद को रैंसमवेयर अटैक से बचाया जाए और अगर हम रैंसमवेयर अटैक के शिकार होते हैं तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वायरसेस के बहुत सारे अटैक होते हैं, उसी में से एक है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक क्या है, कैसे होता है, यह सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता दी है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। सो देखते हैं रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है। द फर्स्ट इज बैकअप योर फाइल्स। आप अपने सिस्टम का बैकअप बना के ज़रूर रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप बैकअप उसी सिस्टम में रखिए, आप उसका बैकअप या तो एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या तो न्यू टेक्नोलॉजी देखा जाए तो आप क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए अगर इन फ्यूचर हैकर आपके सिस्टम में अटैक भी करता है तो आपके करंट फाइल्स के साथ साथ आपने जो बैकअप उसमें स्टोर किया है उसे वो इन्फेक्ट ना करे। इसलिए हम एक बैकअप एक्सटर्नल ड्राइव में सेव करते हैं और वही बैकअप फ्यूचर में आपके काम आएगा। पैच वल्नरेबिलिटीज। रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स एंड अदर एप्लीकेशंस बाय रेगुलरली अपडेटिंग देम। मतलब आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, चाहे वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो या वेब ब्राउजर हो या ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, उसका अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी आउटडेटेड एप्लीकेशन आपके सिस्टम में रखते हैं तो वो एक अटैकर के लिए एक बहुत अच्छा चांस होता है आपके सिस्टम पे अटैक करने का। सो ऑलवेज कीप योर सिस्टम अपडेटेड। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम और आपके नेटवर्क में कोई भी मैलिशियस या एनोनिमस एक्टिविटी हो रही हो, आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं इन रियल टाइम। This is the early stage of attack. Never connect your devices or system to unknown Wi-Fi. कभी भी अपने मोबाइल या लैपटॉप को किसी भी ओपन Wi-Fi या पब्लिक Wi-Fi पे कनेक्ट ना करें। आप नहीं जानते कब नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में क्या आ जाए। रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए अगला तरीका है, डोंट इंस्टॉल अननोन सॉफ्टवेयर और अननोन एप्लीकेशंस। यूजुअली हम किसी भी सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करने के लिए अननोन साइट्स पे चले जाते हैं। हम पायरेटेड वर्जन तो डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन साथ ही साथ रैंसमवेयर भी उसके साथ हमारे सिस्टम में आ जाता है। मैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आप एक बार आपके सिस्टम में सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस चेक करिए और देखिए उसमें से कौन सा एप्लीकेशन अननोन है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो उसे जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करिए। रैंसमवेयर अटैक होने का नेक्स्ट तरीका है अननोन ईमेल। अगर आपको कोई अननोन ईमेल आए तो आप क्या करोगे। ज़्यादातर देखा गया है कि अननोन ईमेल्स में कुछ मैलिशियस फाइल अटैकर भेज देता है और उस मैलिशियस फाइल में रहता है रैंसमवेयर। कभी भी अननोन ईमेल में आई हुई फाइल्स को कभी डाउनलोड ना करें। इसे काउंटर करने का एक तरीका है, वो है ईमेल हेडर एनालिसिस। हमने ईमेल हेडर एनालिसिस पे एक वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं फायरवॉल पे। ऑलवेज कीप योर फायरवॉल ऑन। आप अपने सिस्टम में फायरवॉल को ज़रूर एक्टिवेट कर ले। अगर आपने अभी तक आपके सिस्टम में फायरवॉल एक्टिवेट नहीं किया है तो उसे अभी के अभी करिए। इससे हैकर डायरेक्टली आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। और साथ ही साथ आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस ज़रूर डालें। ये तो हो गए रैंसमवेयर अटैक से बचने के तरीके। अगर आप यह सभी तरीके फॉलो नहीं करते हैं और अगर अटैकर्स ने रैंसमवेयर अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आपके सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक होता है तो आप सबसे पहले आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करिए, देन ट्राई टू डू एन एंटीवायरस स्कैन। और साथ ही साथ इंटरनेट पर कुछ टूल्स अवेलेबल है जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, रैंसमवेयर अटैक विक्टिम होने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ऐसे ही और कोई टेक्निक्स चाहिए सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम ऑन आर गिवन नंबर डेट आर 9021039723 एंड 9923452012। वी हैव डील्ड विथ वेरियस सच केसेस एंड वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे आप रैंसमवेयर अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे सेफ।